हेलो फ्रेंड्स, आज हम मित्सुबिशी सर्वो ड्राइव की वायरिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे। तो पहले मोटर में दिखा देता हूं आपको, ये मित्सुबिशी की सर्वो मोटर है। ये डिटेल दिखा दो जरा एक बार, थोड़ी देर होल्ड करके रखना। वाटेज आ रहा है इसमें 400 वाट आई थिंक, हाँ 400 वाट की है, ठीक है। और ये जो है ना, इसकी BFD है। तो एक बार इधर फोटो निकालो, स्टिकर होगा इसका, ये तो डिटेल है इसका, ये यहीं से ले लो। ये मॉडल है इसका MR JE 40AS, ठीक है। तो इसका जो है ना, अभी हम मैं वायरिंग डिटेल इनपुट साइड का बता समझा देता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे जॉग मोड में, ओके। तो इसमें क्या है कि ये हमारा डिजिटल इनपुट सेक्शन है नीचे वाला। इस सेक्शन में ये हमारा जो कॉमन है, ये हमारी एक्सटर्नल सप्लाई है SMPS लगा के, तो कॉमन पर प्लस दे दिया और -24 वोल्ट लेके वो हमने इधर घुमाया है। तो पहले EM2 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है ये। इसके बाद सर्वो ऑन, रीसेट, LSP और LSN और DI कॉमन। तो DI कॉमन पे तो हमने पॉजिटिव दे दिया और हम नेगेटिव को यहां पे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें क्या है कि मैं बता देता हूं, EM जो है ना, EM पे अगर सिग्नल आता है तो ये मोटर, सर्वो मोटर जो है वो फ्री हो जाएगी एकदम, और सर्वो ऑन को देंगे तो वो लॉक हो जाएगी। सर्वो ऑन से क्या होगा, लॉक हो जाएगी। RES का मतलब रीसेट है, जब कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने के बाद फॉल्ट तो रिमूव हो जाता है, बट वो रीसेट बटन दबाएंगे तो रीसेट से क्या आएगी, वो हमारा जो लैच रहता है बिट वो लो हो जाएगी। इसके बाद LSP, ये लिमिट स्विच है पॉजिटिव साइड का, LSN लिमिट स्विच नेगेटिव साइड का। तो ये दोनों हमको NC रखने तभी ये चलेगी, ठीक है ना। अगर हम NO कर देंगे, अगर हमने पॉजिटिव साइड का NO कर दिया तो इधर नहीं चलेगी और नेगेटिव का कर दिया तो इधर नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो इसमें बाकी इधर हमारा कनेक्शन है, मेन सप्लाई है, फेस और न्यूट्रल हमने दे दिया। सप्लाई 220 वोल्ट AC सिंगल फेज दे सकते हैं या 220 वोल्ट AC 3 फेज दे सकते हैं, ओके। वहां उधर सर्वो मोटर है और यहां पे हमने क्या करा, सिंगल फेज दे रहे हैं 220 वोल्ट AC, ओके। अब क्या है, 24 वोल्ट हमने DC लिया तो प्लस हमने DI कॉमन पर दे दिया और माइनस जो है ना DO कॉम पर दे दिया, और ये हमारा कंट्रोलर साइड के कनेक्शन है, ठीक है ना। तो ये हम जब पल्स मोड में चलाएंगे तब इनका हम यूज करेंगे। जॉग मोड के लिए सिंपल हमें क्या चाहिए, ये NC करना है, क्लोज करना है, और ये क्लोज करना है और ये क्लोज करना है, और कीपैड से यूज करके हम करते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, देखो अभी क्या है कि यहां पे ये देखो, ये हमारा कीपैड है, थोड़ा दिखा दो, दिख रहा है। अब यहां पे हम जाएंगे ऑटो, ऑटो के बाद ये RESR1, इसके हम थोड़ी देर के लिए सेट बटन दबाएंगे, ये वाली दिख रही है सेट, इसको थोड़ी देर के लिए दबाएंगे तो यहां पे ये D01 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही D01 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, ये जो क्लच है, ये वाला जो मैंने बताया था EM2 को हम प्रेस करेंगे, ये बटन है, ठीक है। हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद इधर हमें एक बार प्रेस कर लो, ये दबा के रखो, तुम्हें दबा लो, दबा के रखना, ठीक है। अब मैं जो है ना, ये जो बटन है अप और डाउन वाली, इसके सहायता से इसको चलाऊंगा। देखो चल रही है, ये एक साइड चल रही है, अब मैं ये दूसरी साइड चलाऊंगा तो ये डायरेक्शन दूसरी साइड नहीं चल रही, क्योंकि लिमिट स्विच जो है ना, हमने क्या किया हुआ है, इसको लो कर दिया है। तो मैं इसको हाई बीच में कर देता हूं, अब ये चल रही है। देखो अगर मैं लिमिट स्विच कर दिया तो ये नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो अब क्या है कि मैं फिर इसको एक बार छोड़ो, फिर मैं दोबारा करके दिखा देता हूं आपको,
ठीक है, मैं इसको प्रेस करूंगा RESR को, इसको दबा के रखो थोड़ी देर, इसको दबाओ, दबा लो, ठीक है ना। अब मैं इस बटन को प्रेस कर, चल रही है। अगर मैं लिमिट स्विच जो है ना ये वाला LSP और LSN, इसको मैं देखो सेलेक्टर स्विच से करूंगा तो ये अभी तो मैं दिखा देता हूं, देखो एक साइड चल रही है और ये दूसरी साइड चल रही है। अगर मैं लिमिट स्विच कर देता हूं तो ये साइड बंद हो गई, अब ये चलना बंद हो गई। तो अल्टीमेटली ये दोनों NC रहना जरूरी है। तो ये जॉग मोड का ऑपरेशन था, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।